हो तो आ गया आप। आज अपने पास है एम आई बॉक्स, फायर टीवी स्टिक और एम आई टीवी स्टिक। अब ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये बताने की जरूरत तो तुम्हें है नहीं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब इनमें से खरीदे कौन सा अपन यार, ये यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में ना मैं यही बताऊंगा तुम्हें यार। और ये जो वीडियो है ना भाई, ये पूरी प्रैक्टिकल वीडियो है। मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, कोई स्पेसिफिकेशन बता के बोर नहीं करूँगा यार। मैं इन डिवाइस को खरीदने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फर्क है ना यार, वो एम आई बॉक्स और इन दोनों स्टिक के बीच में। अपना यहाँ पे जो एम आई बॉक्स है ना, ये एक टाइप का सेटअप बॉक्स है या फिर मीडिया प्लेयर भी अपन इसको बोल सकते हैं। और भाई डरो मत, ये एंड्रॉइड बॉक्स है लेकिन ये मीडिया प्लेयर भी साथ साथ, कैसे मैं बताऊंगा आगे। और अपनी फायर टीवी स्टिक और एम आई टीवी स्टिक जो है ना, ये दोनों स्टिक है, इन दोनों की डिजाइन यहाँ पे सिमिलर है। और कनेक्टिविटी के मामले में इनके अंदर अपने को कोई कनेक्टिविटी मिलती ही नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ पे जो एम आई का एंड्रॉइड बॉक्स है ना, उसके अंदर अपन पेन ड्राइव यूज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन भाई इन दोनों स्टिक के अंदर ना कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। लेकिन इनकी अच्छी बात यह है भाई कि ये एलईडी के पीछे इंसर्ट हो जाता है ना, तो वायर मैनेजमेंट का लफड़ा नहीं है यार, तो उस मामले में ये थोड़ा सा बेटर है। अब अपना यहाँ पे जो एम आई बॉक्स है ना, ये प्रॉपर प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन इसकी प्लास्टिक क्वालिटी इतनी सॉलिड है भाई कि कोई बोल भी नहीं सकता है कि प्लास्टिक का है। दूर से तो ऐसा लगता है कि कोई प्रीमियम बॉक्स आपके टेबल पर रखा हुआ है, तो उस मामले में यार एम आई बॉक्स तो काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। और ऑब्वियसली यार फायर टीवी स्टिक और एम आई टीवी स्टिक तो आपके एलईडी के पीछे लग जाएंगे, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है उससे तो कोई मतलब है नहीं यार, क्योंकि एलईडी के पीछे लगेंगे तो दिखने वाला तो है नहीं अपने को ये। और हाँ भाई, इन तीनों के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें इनके अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन मैंने बताई है, तो इन वीडियो को चाहो तो देख सकते हो। उनकी लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी, तो वहां जाके आप देख लेना एक बार। अब देखो यार, अपना जो यहाँ पे एम आई बॉक्स है ना, उसका छोटा भाई है अपना एम आई टीवी स्टिक। इन दोनों के अंदर कुछ फीचर अपने को सिमिलर मिलते हैं, जैसे कि इन दोनों के अंदर अपने को क्रोम कास्ट का सपोर्ट मिल जाएगा, जो कि आज के टाइम पे भाई बहुत जरूरी है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्रोम कास्ट अपने काम को ना ईजी कर देता है। कोई भी आपको शो या मूवी को देखना है एलईडी टीवी के अंदर, तो आप अपने मोबाइल से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो उसको, तो ये ना बहुत ही बड़ा शॉर्टकट है और ये बहुत ज्यादा यूजफुल भी है यार। तो इन दोनों के अंदर क्रोम कास्ट है। और अपना जो यहाँ पे फायर टीवी स्टिक है ना, इसके अंदर क्रोम कास्ट है नहीं, इसके अंदर एनी कास्ट मिलता है जो कि ऑफलाइन वर्क कर सकता है। क्रोम कास्ट के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन अपना स्क्रीन कास्ट जो है ना, उसमें अपने को इंटरनेट की जरूरत होती नहीं है और लेटेंसी भी बहुत कम आती है। और भाई पर्सनली बताऊं ना, तो फायर टीवी के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर अपने को एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट मिलता है इसके रिमोट के अंदर, जो 10 times बेटर है इन दोनों के कंपेयर में। मतलब इसके वॉइस असिस्टेंट का जो AI है ना, वो बहुत ज्यादा एडवांस है यार। आप कितनी भी फास्ट बोलो, किसी भी तरीके से बोलो, आपकी आवाज को ये कैप्चर कर लेता है यार। तो उस मामले में ना फायर टीवी ने अच्छा काम कर रखा है। अब दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो अच्छा काम तो होगा, सही ना। और हाँ भाई, एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, अपना जो MI बॉक्स है ना, ये एक मीडिया प्लेयर है और स्ट्रीमिंग डिवाइस भी है। इसके ऊपर साफ साफ लिखा है यार, 4K अल्ट्रा HD स्ट्रीमिंग प्लेयर, तो ये एक स्ट्रीमिंग प्लेयर भी है या फिर मीडिया प्लेयर भी अपन बोल सकते हैं। दूसरी तरफ अपना जो यहाँ पे फायर टीवी स्टिक है और एम आई टीवी स्टिक है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रीमिंग डिवाइस है। यहाँ तक कि फायर टीवी के ऊपर लिखा हुआ भी है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, और यही चीज़ यार एम आई टीवी स्टिक के ऊपर भी मेंशन है। तो ये दोनों अपने स्ट्रीमिंग डिवाइस है, ये अपना स्ट्रीमिंग डिवाइस तो है सही, साथ में मीडिया प्लेयर भी है। तो इस बात को थोड़ा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ यार, क्योंकि तुम अगर कोई भी खरीदने की यहाँ पे सोच रहे हो ना इन तीनों में से, तो ये बात जानना तुम्हारे लिए पहले जरूरी हो जाता है। अपना जो यहाँ पे फायर टीवी स्टिक है ना भाई, इसके अंदर अपन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बंदा अमेजोन प्राइम यूज करता है, नेटफ्लिक्स यूज करता है या फिर डिस्नी प्लस हॉटस्टार यूज करता है, उनके मूवी शो और कंटेंट को देखना जो होता है ना भाई, उसको अपन बोलते हैं स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब सिंपल सा ये समझ लो आप, कि आप LED टीवी के अंदर OTT एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, तो आपका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि हमको तो OTT एप्लीकेशन को यूज करना है सिर्फ, तो आप डेफिनेटली MI टीवी स्टिक या फायर टीवी स्टिक को बाय कर सकते हो स्ट्रीमिंग पर्पस के लिए। लेकिन आपको तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग भी करनी है, प्रोडक्टिविटी वाले वर्क भी करना है, और पेन ड्राइव के थ्रू डेटा को कॉपी भी करना है, या फिर हार्ड डिस्क में कोई फाइल पड़ी है उसको एक्सेस करना है, तो उस मामले में ना MI बॉक्स से ज्यादा बेटर है भाई, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वाले वर्क ये आराम से कर देता है। इनफैक्ट ऑफिस से रिलेटेड जो वर्क होते हैं ना, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, कीबोर्ड माउस इसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं एक्सटर्नली, तो उस मामले में ना ये थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा बेटर है यार। और एम आई टीवी स्टिक जो है ना भाई, ये भी अपना स्ट्रीमिंग डिवाइस ही है। अब देखो यार, सामने वाला बंदा जब कोई भी डिवाइस लेता है ना, तो उसको यहाँ पे दो चीजें चाहिए, एक तो यूजर इंटरफेस और परफॉर्मेंस। तो वो कैसी है मैं तुम्हें बताता हूँ। अपना एम आई बॉक्स और एम आई टीवी स्टिक, ये दोनों एंड्रॉइड UI के साथ आते हैं, तो एंड्रॉइड LED में जो यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा ना, सेम इंटरफेस इसके अंदर मिलने वाला है। तो सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट में जो भी लेटेस्ट LED के अंदर अपने को फीचर मिलते हैं ना, वो सारे फीचर इन दोनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन भाई फायर टीवी का सीन अलग है, इसके अंदर अपने को फायरवॉस मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में ना इन दोनों से ज़्यादा बेटर है, ऑप्टिमाइजेशन के मामले में भी। तो फायर टीवी स्टिक जो है ना भाई, ये प्रॉपर अपना अलग यूजर इंटरफेस के साथ आता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे एंड्रॉइड TV है और आप शिफ्ट कर रहे हो फायर टीवी के ऊपर, तो आपको
ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसका जो यूज़र इंटरफेस है ना वो इतना ज़्यादा ना क्लीन नहीं है, मतलब आसानी से अपने को समझ में नहीं आएगा पहली बार में। इनफैक्ट मुझे भी एक महीना लग गया था अच्छे तरीके से समझने में। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों के अंदर जो यूज़र इंटरफेस है ना वो क्लीन है, तो उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि परफॉर्मेंस इन तीनों के अंदर अपने को कैसे मिलेगी। तो आपको अगर मैं एक बात बताऊं तो MIT Vista के अंदर अपने को 2GB की रैम, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, Cortex A53 का प्रोसेसर मिलता है, 4K HDR को ही सपोर्ट करता है, Dolby Vision का सपोर्ट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल जाएगी। और दूसरी तरफ अपना जो MIT Vista है ना इसके अंदर 1GB की रैम, 8GB की इंटरनल मेमोरी है, इसके अंदर भी सेम Cortex A53 का प्रोसेसर है, ये 1080p को यहाँ पर सपोर्ट करता है, यानी कि सिर्फ फुल HD वीडियो को ही आप इंजॉय कर पाओगे इसके अंदर। और Fire TV Stick जो है ना भाई ये भी अपना 1GB रैम, 8GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है, 1.7GHz का प्रोसेसर इसके अंदर भी है, ये भी अपना फुल HD यानी कि 1080p पिक्सल को सपोर्ट करता है, Dolby Vision का सपोर्ट इसके अंदर भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी और Wi-Fi 5.0 इसके अंदर भी है। तो भाई बहुत ही तेजी से मैंने स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है, क्योंकि ना देखो स्पेसिफिकेशन बताना मेरा मेन पर्पस नहीं है, पर्पस ये है कि आपको परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो शुरुआत करूंगा मैं MI बॉक्स से। MI बॉक्स के अंदर अपने को 2GB की रैम मिल रही है, तो ऑब्वियसली इसकी परफॉर्मेंस आपको बेटर मिलेगी। मल्टीटास्किंग अगर आपको करना हो ना तो रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा, स्नैपी और स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इसका जो यूजर इंटरफेस है ना वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है और रेगुलर अपडेट भी आते रहेंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं। और इसका प्रोसेसर बहुत ज्यादा इफिशियंट है, तो आप यहाँ पे एवरेज लेवल के मल्टीटास्किंग कर सकते हो, OTT एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, और उसके अलावा यहाँ पे कैजुअल गेमिंग भी आप ऑब्वियसली इसके अंदर कर पाओगे। ज्यादा एक्सपेक्ट करना मत गेमिंग से, सिर्फ कैजुअल लिविंग की गेमिंग अपन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नली इसमें ब्लूटूथ कंट्रोलर कनेक्ट हो जाते हैं। और MI TV बॉक्स के अंदर ना अपने को प्ले स्टोर भी मिलता है, तो उसके जरिए आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। स्ट्रीमिंग सर्विस तो सारी इसके अंदर एक्टिव है यार, वो तो चली जाएगी, साथ में आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी वाले वर्क भी ऑब्वियसली इसके अंदर कर पाओगे आप। फाइल मैनेजर के थ्रू आप USB को एक्सेस कर सकते हो, तो USB के अंदर कितने भी बड़ी या 4K फाइल होगी ना सबको ये सपोर्ट करेगा, यहाँ तक कि 30 GB की जो 4K फाइल होती है ना वो भी ये सपोर्ट कर जाता है। तो उस मामले में ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और आगे भी निकल जाता है यार। और दूसरी तरफ इसका छोटा भाई यानी कि MI TV Stick है ना, इसकी परफॉर्मेंस भाई बहुत बेकार है यार। इसके अंदर 1GB की रैम है, 8GB की इंटरनल मेमोरी है, और इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस ना मुझे बहुत बेकार लगी। ये चलते चलते लैग हो जाता है, एप्लीकेशन यहाँ पे करप्ट हो जाती है, क्रैश हो जाती है, और काफी सारी एप्लीकेशन तो इसके अंदर सपोर्ट ही नहीं कर पाती। और मल्टीटास्किंग तो भाई इसके अंदर नाम की भी नहीं होने वाली, वो तो भूल ही जाना तुम। इसके अंदर अपने को एंड्रॉइड UI तो मिलता है, लेकिन यार रैम मैनेजमेंट इसका इतना प्रॉपर है नहीं, और ऑप्टिमाइजेशन भी उसके अंदर अपने को मिलता नहीं है, तो ओवरऑल ना आपको परफॉर्मेंस इतनी स्मूथ मिल नहीं पाएगी, मतलब लेगी लेगी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और गेमिंग ऑब्वियसली इसके अंदर होने वाली है नहीं। अगर आपको OTT एप्लीकेशन को यूज करना है ना वो भी थोड़ी बहुत, तो आप इसको बाय कर सकते हो, तो परफॉर्मेंस के मामले में तो इसमें कोई दम नहीं है यार, मतलब पर्सनली तो मुझे ये लगा है। और तीसरा अपना Fire TV Stick है ना भाई, इसके अंदर वैसे तो 1GB की रैम है, लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना यार वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है, तो आपको यहाँ पे स्नैपी और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी। तो जो यहाँ पे शटर स्पीड है, एनिमेशन स्पीड है, वो स्लाइटली बहुत स्मूथ है। एप्लीकेशन के बीच में जब आप यहाँ पे स्विचिंग करोगे ना तब भी ये लैग होने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर जो यूजर इंटरफेस है ना वो ऑप्टिमाइज है, और रैम मैनेजमेंट भी इसका बहुत ही प्रॉपर काम करता है, तो ये लैग नहीं होगा भाई, हैंग भी नहीं होगा, और आपके सारी एप्लीकेशन प्रॉपर इसके अंदर चली जाएंगी। इसके अंदर लिमिटेशन है यार, क्योंकि इसके अंदर अपने को प्ले स्टोर तो मिलता नहीं है, इसका खुद का ऐप स्टोर है जिसके अंदर लिमिटेड ही एप्लीकेशन और गेम है, तो इसके अंदर आप बेसिक गेमिंग कर पाओगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऑब्वियसली इसके अंदर भी आप यूज कर पाओगे। तो भाई ये जो Fire TV Stick है ना ये ज्यादा फास्ट और स्मूथ है MI TV के कंपेयर में, तो इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, जबकि मेरे पास तो लाइट है यार, थर्ड जनरेशन की परफॉर्मेंस तो और ज्यादा अच्छी होगी। और इन तीनों का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कोर निकल गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। MI बॉक्स का स्कोर है 68, MI TV Stick का स्कोर है यहाँ पे 39, और Fire TV का स्कोर है यहाँ पे 42। तो अपन साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट है MI बॉक्स, सेकंड नंबर पे Fire TV, और यहाँ लेकिन मैं पर्सनली काफी टाइम से Fire TV को यूज कर रहा हूँ यार, और मुझे तो आज तक इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो डे बाय डे यहाँ पे इंप्रूव होती जा रही है। मुझे ना एक हफ्ते पहले एक अपडेट मिला था, उसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और भाई ये Amazon का डिवाइस है, और Amazon कितना बड़ा ब्रांड है ये तो अपने को पता ही है, तो रेगुलर अपडेट आपको मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस चाहिए ना, तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और इसका जो वॉइस असिस्टेंट है ना भाई वो तो एक तरफा काम करता है, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। और आपका बजट 3500 से 4000 के बीच में है, आपको थोड़ा ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले वर्क करने हैं, थोड़ी अच्छी लेवल की मल्टीटास्किंग करनी है ना, नॉट जस्ट स्ट्रीमिंग, थोड़े अच्छे काम करने हैं प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, ब्राउजिंग भी हो गया उसके अंदर अपना, गेमिंग भी हो गया, तो उस केस में आप इसको बाय कर सकते हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा
बड़ा एडवांटेज सिर्फ यही है कि ये 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। तो आपके पास अगर 4K LED है तब इसको बाय करना भाई, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसको बाय करने का। आपके पास अगर नॉर्मल LED है फुल HD या फिर HD तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, और इसको तो बाय करना मत भाई। ये 2000 रुपये का आता है, ये भी 2000 का है, लेकिन भाई इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, तो इसको तो आप अवॉइड करना। इन दोनों का बाय कर सकते हो, और इन तीनों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उनको जाके आप देख सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअली में ये काम कैसे करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।